हेलो सीएम में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज मैं आपको राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपको पता है आपके दिसंबर से ऑफलाइन एग्जाम होंगे, तो पेपर के अंदर अगर डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्शन नंबर याद करने या नहीं करने, सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है। वो सब सिखाऊंगा आपको, भले आधा पौना घंटा लग जाए लेकिन डिटेल में सिखाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दो दोस्तों के साथ कम से कम जरूर शेयर करना इस वीडियो को। बस इतना ही चाहिए, स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है, वीडियो खत्म होने का थैंक्स जरूर बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे को बहुत हेल्प होने वाली पेपर में ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर, और ये सीख लोगे ना तो मजा आ जाएगा तुम्हारा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो गाइज, अब देखते हैं कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है लॉ का। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर, तो अभी हम सारी बात करेंगे कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है ना, अगर डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है ना, और अगर पेपर के अंदर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन आ गया और किसी केस स्टडी पे उठ के आ गया तो केस स्टडी का नाम याद है तो कैसे लिखना है, केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ना मैं तुम्हारे को अगर बताऊं तो पहले हम बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, और फिर एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि अगर मान लो पेपर में केस, सबसे ज्यादा बच्चे क्योंकि इसीलिए डरते हैं, अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, केस स्टडी बेस का मतलब ये नहीं होता है जैसे तुमने सालोमन का केस पढ़ा था या कोई और केस पढ़ा था कि खाली उस पे उस केस के नाम से केस क्वेश्चन बन के आएगा तो केस स्टडी बेस क्वेश्चन होंगे, नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़कर उसके एनालिसिस को निकालकर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया तो उसे भी हम केस स्टडी बेस क्वेश्चन बोलते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखना है। तो बेटा याद रखो कि अगर कभी भी पेपर में केस स्टडी बेस क्वेश्चन आएगा तो उसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले लिखने हैं फैक्ट्स, उसके बाद लिखना है, और ये लिखना है, ये शब्द भी साथ में लिखना है, उसके बाद लिखने हैं गवर्निंग प्रोविजन। उसके बाद क्या लिखना है, गवर्निंग प्रोविजन। उसके बाद लिखनी है एक्सप्लेनेशन, एंड उसके बाद लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन। अब आप इसको समझो अपने हिसाब से। मैं तुम्हारे को एक डॉक्टर वाला एग्जांपल देता हूं, मैं हर बार जनरली समझाता हूं, और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हारे को इस तरीके से लिखना, क्योंकि ना बहुत सारे टीचर ना गलत सिखाते, बहुत सारे टीचर सिखाते फैक्ट्स को ऊपर मत लिखो, नीचे लिखो, पहले ऊपर प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं क्या दिक्कत है। अच्छा, तुम पहले सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को ना अपने सिम्टम बताते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है। आप पहले उसे अपनी बीमारी बताते हो कि मतलब आपको ये दिक्कत हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है ना, आपको तो आपको टॉयलेट ज्यादा आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है व्हाट्स एवर, आप पहले डॉक्टर को जाके अपने सिम्टम्स बताते हो। तो वो जब सिम्टम्स बता रहे हो कि मेरे को ये हो रहा है, वो सब हो गए फैक्ट्स। अब जैसे ही डॉक्टर ये सुनेगा तो उसके बाद वो बताएगा कि आपको बीमारी क्या है, आपको बीमारी क्या है, तो वो हो गया गवर्निंग प्रोविजन। अब वो आपको बताएगा कि भाई, अब वो जब उसने आपको बीमारी बता दी तो अब वो आपको बताएगा कि इस बीमारी के लिए क्या 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 आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, वो हो गई एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में आएगा कंक्लूजन, जिसमें वो आपको ये बताएगा कि आप ठीक हो सकते हो या नहीं हो सकते, और अगर हो जाओगे तो कितने दिन में हो जाओगे। समझ आ गई मेरी बात। तो सबसे पहले आप डॉक्टर को जाकर अपने सिम्टम्स बताओगे, उसके बेस पे आपको बीमारी बताएगा, तो सिम्टम्स आपके फैक्ट्स हो गए। उसके बाद आपको बीमारी बताएगा, वो गवर्निंग प्रोविजन हो गया। उसके बाद अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, वो एक्सप्लेनेशन हो गई। और उसके बाद लास्ट में कि वो ठीक हो सकती है नहीं हो सकती बीमारी, वो क्या हो गया, कंक्लूजन। अब इसको मैं तुम्हारे को पेपर में केस स्टडी आई हुई है, अब मैं उससे कनेक्ट करके दिखाता हूं कि आपको अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करना है। एक मैंने क्वेश्चन उठा लिया, ये जैसे ये सामने आ रहा है क्वेश्चन 16 है, ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है सेक्शन 8 कंपनी के बेस पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी, और आप लोगों ने पढ़ा था कि नॉन प्रॉफिट कंपनी का जो सेक्शन है सेक्शन 8 कंपनी का, सेक्शन 8
इसमें यह लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी इंडिया में दो चीजों का ध्यान रखेगी। पहली बात, वो तीन चीजों का, एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर बनेगी, दूसरी बात वो आर्ट साइंस चैरिटी कॉमर्स इन सब चीजों के लिए बनेगी, नेक्स्ट एक चीज वो जितना भी पैसा कमाएगी अपनी ही एक्टिविटीज में री इन्वेस्ट करेगी, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, उसका डिविडेंड देना टोटली मना है। ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, उसका डिविडेंड देना टोटली मना है। वो जितना भी पैसा होगा अपने ही क्या करेगी, बिजनेस में एक्टिविटीज में री इन्वेस्ट करेगी। तो ये सेक्शन 8 में ये सब लिखा हुआ है। अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं वहां पर सिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन के पहले ये पढ़ो, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी 2013 अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट्स। कहने को वो सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन उसको फिर भी प्रॉफिट हो गए। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इंडिया में, बहुत सारी कंपनी जिनका मेन नेम प्रॉफिट कमाना है नहीं लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मान लो मेरी कोई R&D की कंपनी है, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई कंपनी बनाई, मान लो अब मेरा काम तो खाली R&D करना था, मैंने मान लो एक इतनी अच्छी इन्वेंशन करी कि मैंने वो इन्वेंशन बेच दी किसी और को, क्योंकि मेरे पास उस इन्वेंशन को रखने के लिए, जैसे मान लो मैंने कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई फॉर्मूला बना लिया, कोई दवाई का फॉर्मूला बना लिया उन्हें ठीक करने के लिए। अब मैंने फॉर्मूला बना लिया लेकिन मेरे को दवाई को प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने फॉर्मूला बना लिया, इस फॉर्मूले को बेच देता हूं किसी और को। इसका मतलब, और क्योंकि मेरी कंपनी तो R&D कंपनी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी थी, तो कहने को वो R&D कंपनी थी लेकिन स्टिल जैसे ही मैं फॉर्मूला किसी और को बेचूंगा मेरे को वहां से प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट अर्न हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां इंडिया में नॉन प्रॉफिट कंपनी जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना है नहीं, फिर भी प्रॉफिट कमा लेती हैं। अगर वो प्रॉफिट कमा लेती है तो लॉ ये बोलता है कि आप उस पैसे को डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांट सकते शेयर होल्डर्स को, आप उस पैसे को अपने ही बिजनेस में क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। अब जरा देखना क्या हुआ था, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी 2013 अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक कंपनी थी जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी, उसको 2018 में बहुत सारे प्रॉफिट हुए, मगर ड्यूरी कैसे हुए, ड्यू टू सम फेवरेबल पॉलिसीज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी। हमारे भारत सरकार ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बताई थी और उस कंपनी ने उन पॉलिसीज को फॉलो करा और कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट हुए। आगे देखो, कंसीडरिंग द डेवलपमेंट सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी वांटेड द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को इतने सारे प्रॉफिट हुए तो कोई कंपनी के कुछ मेंबर्स ये चाहते हैं कि कंपनी हमारे को डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो वो आगे पूछ रहा है, दे अप्रोच यू, आप मान लो एक प्रोफेशनल हो तो कंपनी के मेंबर आपसे पूछ रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं टू एडवाइज अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी 2013 और एग्जामिन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी 2013 एंड एडवाइज द कंपनी मेंबर्स अकॉर्डिंगली। तो कंपनी के मेंबर आपसे ये पूछ रहे हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है और उसके अकॉर्डिंग आप एडवाइज करो। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एज पर सेक्शन 8 कंपनी को नॉन प्रॉफिट कंपनी को कभी भी डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, टोटली मना है। तो कितना दे सकती है वो तो बात ही खत्म हो गई, जब उसको डिविडेंड देना ही प्रॉफिट है तो कितना दोगे तो बात ही खत्म हो गई। इन्होंने जान के कंफ्यूज करा, ये पूछ रहे मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा अपने हिसाब से लिमिट क्या आ जाएगा, 12%, 15%, 20%। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि साला लिमिट तो कोई थी नहीं, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती सेक्शन 8 कंपनी। तो अब इसमें जरा पढ़ना, इसने क्या लिखा है, ये तो मैंने सजेस्टेड आंसर में ऐसे चार लाइनों में खत्म कर दिया लेकिन तुम कैसे लिख के होगे मैं बता रहा हूं। यहां पर तो मैंने लिख दिया, कंपनी दैट इज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। जो भी कंपनी सेक्शन 8 में बनती है तो उसको डिविडेंड देना मना है। तो द कंपनी इन क्वेश्चन इज अ सेक्शन 8 कंपनी एंड हेंस इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कह रहा है जो क्वेश्चन में पूछी गई कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी है तो ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। इन्होंने दो लाइन में आंसर खत्म कर दिया लेकिन तुम ऐसा नहीं लिखोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे फैक्ट्स। अच्छा फैक्ट्स में तुम क्या लिखोगे पता है, जो क्वेश्चन है ना उसी को उतार देना है। अ कंपनी रजिस्टर्ड से लेकर कहां तक चेपोगे, यहां तक कंपनी तक। देखो जहां पे वो तुमसे पूछ रहे हैं दे अप्रोच यू, यहां से मत करना। जितने जो ऊपर ऊपर के फैक्ट्स हैं कि कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, इसको इतना इतना प्रॉफिट हुआ, ये डिविडेंड देना चाहते हैं, सिर्फ ये हैं फैक्ट्स। जब वो तुमसे पूछे, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए ना कि अच्छा बताओ तो ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, वो लाइन तुम्हें फैक्ट्स में नहीं लिखनी। तो तुम्हें फैक्ट्स में कहां से कहां तक लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। तो तुम लिखोगे फैक्ट में अ कंपनी जो कि --, ऐसे फैक्ट चलते चले जाएंगे। कहां तक लिखोगे लास्ट लाइन, ये मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तक आप लिखोगे, ये फैक्ट्स में आ जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन को ही कट कॉपी पेस्ट मार देना इसके अंदर। ये क्या लिखा है यहां पे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी --, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा ये मैं तो --, लिख रहा हूं, तुम --, मत लिखा ना, तुम पूरा ही लिख के आओगे पैराग्राफ। समझ आ रही है बात, आ कंपनी से लेकर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 से लेकर पूरा कंपनी तक पूरा, ये तो होगा फैक्ट्स। अब आता है गवर्निंग प्रोविजन। गवर्निंग प्रोविजन में तुम लिखोगे कि ये किस सेक्शन पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो यहां पे लिखोगे आप सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के ऊपर बेस्ड है, यहां पे आप ये बताओगे।
अब आती है एक्सप्लेनेशन। अब आप सेक्शन 8 को एक्सप्लेन करोगे यहां पे कि एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, कर करके पूरा आप इसको एक्सप्लेन करोगे उस सेक्शन 8 को जो यहां पे लिखा हुआ ना, अब उसको एक्सप्लेन करोगे यहां पे, कहां पे एक्सप्लेनेशन के अंदर, यहां पे आप क्या करोगे सेक्शन 8 को एक्सप्लेन करोगे, जो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है वो सब चीजें आप क्या करोगे यहां पे एक्सप्लेन करोगे पूरी की पूरी, और लास्ट में कंक्लूजन दोगे फ्रॉम अबव, इस तरीके से लिखोगे फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंपनी इज अ सेक्शन 8 कंपनी एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक टू डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ये कंक्लूजन है। पता पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ कंपनी ऐसा कर सकती नहीं कर सकती, बच्चा यस और नो में आंसर लिख देगा, यस कंपनी ऐसा कर सकती है, नो ऐसा नहीं कर सकती, एक दो लाइन में आंसर लिख के आ जाएगा। और बहुत सारे उनके लॉ के टीचरों ने यह सिखाया हुआ है कि लॉ में ना सिर्फ कंसेप्ट मैटर करता है, लेंथ मैटर नहीं करती। बेटा तुम खुद सोचो, हर चीज की ना लेंथ मैटर करती है। मैं हमेशा बच्चे को सिखाता हूं कि अगर पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम एक फ्रंट पेज पूरा लिखो, है 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो फ्रंट पेज पूरा, पीछे के पेज पे 2-3 लाइनें लेके जाओ। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्रंट पेज पूरा, पीछे वाला पेज भी पूरा। अब ये नहीं है भरने का मतलब क्या पेल रहे हो उसको, अगर आपको नहीं भी बड़ा बन रहा है आपसे, आपका सेक्शन ही छोटा था बुक के अंदर, आप उसको फॉर एग्जाम्पल दिस करके बड़ा करो, लेकिन बड़ा करो है ना, तभी नंबर मिलेंगे। अच्छा तुम किसी 5-स्टार होटल में गए, तुमने वहां पे पनीर टिक्के की प्लेट मंगाई, मान लो 2.5 रुपए की पनीर टिक्के, तो उसमें उसने आपके 5 पनीर टिक्के आपकी प्लेट में रख दिए, भले वो जितने मर्जी स्वाद हो आपका मुंह उतर जाएगा, है ना, साले ने 2.5 रुपए ले लिए, 5 पीस रखे पनीर टिक्के के। इसका मतलब क्या कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मैटर करती है। तुम्हारा आंसर जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन अगर वो लेंथ को जस्टिफाई नहीं कर रहा तो नंबर कटेंगे, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है, तो हमने क्वेश्चन फैक्ट्स में क्या लिखना है, क्वेश्चन को उतार देना है, कहां तक उतारना है जहां पे वो आपसे पूछ रहा है उस वाली लाइन को इग्नोर करके उससे पहले तक का। गवर्निंग प्रोविजन में सेक्शन का नाम लिखना है, एक्सप्लेनेशन में उस सेक्शन को एक्सप्लेन कर दो जो सेक्शन में लिखा हुआ है, और कंक्लूजन में फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दिस। अच्छा कंक्लूजन 2-3 तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, जो फिर उसने जो उसने पूछा उसका आंसर दे दो, वो लास्ट में बताना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो हेंस इट कैन बी सीन दैट, इस तरीके से भी लिख सकते हो हेंस इट कैन बी सीन दैट सिंस इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, आगे करके पूरा लिख दो, या एक और तरीके से लिख सकते हो फ्रॉम अबव वी कैन एनालाइज दैट। ये कंक्लूजन लिखने के अलग अलग तरीके हैं, फिर दैट द डैश आगे सिंस इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका अलग कंक्लूजन इन ये 3 लाइनों को याद कर लो, इसी तरीके से लिखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चे का, सर मान लो मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं है तो अब कैसे लिखोगे, तो पहले फैक्ट्स वाला पैराग्राफ तो ऊपर से चेपना है एज इट इज, ये वाला पैराग्राफ उड़ा, ये वाला जो स्टेप है सेकंड स्टेप ये उड़ा देना, गवर्निंग प्रोविजन वाला ये गायब कर देना, फिर तुम्हारे 3 स्टेप रहेंगे 4 की जगह, फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन। तो फिर अगर अब तुम्हारे को सेक्शन 8 याद नहीं है कि क्वेश्चन कौन सी कंपनी पे बेस्ड था, मतलब कौन से सेक्शन पे बेस्ड था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये याद है कि ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती, उनको वो प्रोविजन भी याद है लेकिन सेक्शन नंबर भूल जाते हैं, तो कैसे लिखोगे, पहले तो फैक्ट्स लिखोगे एज इट इज जो क्वेश्चन में शेप होगे, फिर गवर्निंग प्रोविजन वाला पॉइंट हटा दोगे, वहां से स्किप कर दोगे क्योंकि तुम्हारे को सेक्शन नंबर याद ही नहीं, तो गवर्निंग प्रोविजन लिखो ही मत, फिर सीधा फैक्ट्स के बाद सीधा क्या लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे मान लो कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे एज पर relevant provisions of Companies Act, of Companies Act 2013,
अ नॉन प्रॉफिट कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। डिविडेंड अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर स्टार्ट कर सकते हो टू इट्स मेंबर्स। और अगर आपको सेक्शन नंबर याद होता तो आप इधर ऐसे लिखते, तो आप ऐसे लिखते एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट अ नॉन प्रॉफिट कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, या रेलेवेंट प्रोविजन की जगह एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन तो इस तरीके से लिख सकते हो, बदल बदल के लिख लेना अगर सेक्शन नंबर याद ना हो, एक इस तरीके से लिख सकते हो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन की जगह एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, रेलेवेंट प्रोविजन की जगह एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रिस्क्राइब सेक्शन कौन सा भाई, तू सोचता रहा, हमें तो याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो उसको जो आपका कंसेप्ट है, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दे दो कि ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है या नहीं कर सकती। यहां तो मैंने सेक्शन 8 मेंशन कर रखा, आप सेक्शन 8 को इग्नोर कर देना। तो अगर सेक्शन नंबर याद है आंसर तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है केस स्टडी बेस वाला आंसर तो कैसे लिखना है, मैंने तुमको बता दिया। कंक्लूजन कैसे लिखना है मैंने आपको यह भी बता दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करूंगा तुम्हें सेक्शन नंबर याद है, अगर पेपर में आता है केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन, मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर केस नहीं आया, किसी केस स्टडी के ऊपर केस आ गया, जैसे सालोमन, सालोमन का केस था है ना, सालोमन वाले केस के अंदर क्या था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने मेंबर से हटके काम करती है, कंपनी एक अलग चीज है, उसके मेंबर एक अलग चीज है। तो पहले वो क्वेश्चन बनाकर देगा तुम्हारे को, फैक्ट्स बनाकर देगा, ठीक है, कि ये इस केस में हुआ। तो बताओ सालोमन के केस में क्या हुआ था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट दी गई थी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाद में दी गई थी वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के फैक्ट्स होंगे वो क्वेश्चन में से चेप देना, उसके बाद यहां पे आप गवर्निंग प्रोविजन वाला पॉइंट डालोगे। गवर्निंग प्रोविजन वाला पॉइंट आप कब डालोगे, अगर आपको उस केस स्टडी का नाम याद है तो। जैसे अगर मान लो केस स्टडी का नाम याद है तो आप यहां पे लिखोगे सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड, अगर केस स्टडी का नाम याद है तो। लेकिन अगर केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो आप फिर इसको, अच्छा पहले अगर केस स्टडी का नाम याद है तो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। पहले तो यहां पे लिखोगे फैक्ट्स के अंदर वही क्वेश्चन में जो बताया गया वही गवर्निंग प्रोविजन सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड। फिर एक्सप्लेनेशन में आप इसको आंसर को इस तरीके से स्टार्ट करोगे, अगर किसी केस स्टडी पे क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से आंसर स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको केस का नाम याद है, जैसे पेपर में क्वेश्चन है और आपको याद है कि ये केस जो बन के आया पेपर में ये एक पर्टिकुलर उस वाले केस के ऊपर बन के आया जिस केस का नाम आपको याद है, तो आप ऐसे लिखोगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सिमिलर टू द केस, सिमिलर टू द केस ऑफ सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड, सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड in which it was held that क्या आगे, फिर आगे वो पूरे सालोमन में क्या कहा गया था उसको एक्सप्लेन कर देना। सालोमन के केस में एक आ गया था कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर को वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले पेमेंट मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि कंपनी की क्या है सेपरेट गारंटी, ऐसे करके उसने एक्सप्लेन किया हुआ था ना। तो आप स्टार्ट कैसे करना मैं तुम्हारे को वो सिखा रहा हूं, बाकी तुम्हें अंदर का माल ही लिखना है तो हर जगह अलग होगा है ना तुम्हारे को। तो अगर तुम्हारे को केस किसी केस स्टडी के ऊपर किसी सेक्शन पे केस ना बन के आए पेपर में, क्वेश्चन अगर किसी केस स्टडी पे बन के आ रहा, तो अगर आपको केस का नाम याद है तो पहले फैक्ट्स लिखोगे ऊपर वही क्वेश्चन में से निकाल के, फिर गवर्निंग प्रोविजन में केस का नाम, फिर एक्सप्लेनेशन में द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ उस जिस केस का नाम से आपको पता है कि इस केस के नाम से सिमिलर है उस केस का नाम, और उस केस में क्या कहा गया था वो एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में कंक्लूजन में बता दो कि इस केस के अंदर जो अब अल्टीमेटली तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आखिरी में कंक्लूजन में बता दो। अच्छा अब एक इसमें भी एक बात निकल के आती है, अगर मान लो तुम्हारे को केस का नाम याद नहीं है, तुम्हें यह याद है कि तुमने ऐसे ऐसे फैक्ट्स पढ़े थे, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बन के आ गया किसी पर्टिकुलर केस स्टडी पे, और तुम्हें यह याद है कि तुमने उस फैक्ट्स उस केस में क्या हुआ था आपको यह पता, लेकिन केस उस केस का नाम क्या था आपको वो याद नहीं है, तो आप ऐसे करोगे फिर गवर्निंग प्रोविजन वाला पॉइंट यहां भी हटा दोगे, फैक्ट्स वाला पॉइंट रहेगा ऊपर, फैक्ट्स वाला पॉइंट रहेगा, गवर्निंग प्रोविजन वाला हटा दोगे, और एक्सप्लेनेशन में ना फिर अलग तरीके से लिखोगे, एक्सप्लेनेशन को फिर अलग तरीके से लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे फिर आप आंसर को किस तरीके से स्टार्ट करोगे वो बता रहा हूं। तो वहां पे अगर पेपर में अगर मान लो कोई ऐसी केस स्टडी आ जाए तो किसी पर्टिकुलर केस पे बेस्ड, आपको केस का नाम याद नहीं है लेकिन आपको फैक्ट्स याद हैं, तो फैक्ट्स तो ऊपर तो फैक्ट्स ही लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में अब आप क्या करोगे, अब उस
उस जजमेंट में क्या कहा गया था वो एक्सप्लेन करोगे, अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे। इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वॉज हेल्ड दैट फिर डैश 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 जो भी उस केस में कहा गया था वो सब एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में कंक्लूजन में बता दो कि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती। तो वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर केस में एक चीज डिसाइड की गई थी जो कि ये थी, वो आपने एक्सप्लेन कर दी और फिर उस केस के बेस पे आप नीचे कंक्लूजन दे दो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट या फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट या फ्रॉम अबव वी कैन एनालाइज दैट, फिर जो आपने एक्सप्लेन करा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दो कि ये चीज जो कंपनी चाह रही है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको समझ आ गया, अगर केस का नाम याद है तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, द फैक्ट ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सो एंड सो, उस केस का नाम लिख देना। अगर आपको उस केस का नाम याद नहीं है तो इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वॉज हेल्ड दैट, अब हमें नहीं पता वो डिसाइडेड केस कौन था तो खुद सोचता रहा, हमने तो लिख दिया अपना काम। समझ आ गई बात, इस तरीके से लिखो। तो हमारी दो तीन बातें हो गई, पहली बात आंसर को नॉर्मली चार पार्ट में डिवाइड करना है, फैक्ट्स, गवर्निंग प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। गवर्निंग प्रोविजन सिर्फ कब लगेगा, अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है या आपको केस स्टडी का नाम याद है जिस पे भी वो पूछा गया। अगर नहीं याद तो गवर्निंग प्रोविजन वाला पैराग्राफ हटा देना, सिर्फ तीन ही रह जाएंगे, फिर फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। फैक्ट में जो क्वेश्चन में लिखा वो उतार दो, एक्सप्लेनेशन के अंदर इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, एक्सप्लेनेशन में मतलब जो भी उस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया था या जो उस केस स्टडी में एक्सप्लेन किया गया था और वो किस तरीके से एक्सप्लेन करना मैंने आपको बता ही दिया, और कंक्लूजन में आखिरी में बता देना कि वो चीज हो सकती है नहीं हो सकती। ये हो गई बात आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। अब आता है कि बात पेपर में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे लिखने हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को तो बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। मान लो अगर पेपर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो सीधा उसको ऐसे ही स्टार्ट करोगे, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है, प्राइवेट कंपनी इज सो एंड सो सो सो, पूरा एक्सप्लेन कर दो और उसको कोशिश करना कि तीन पैराग्राफ में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर दो, सिंपल। और अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में उस सेक्शन का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखोगे, वही वापस, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी मींस, फिर उसको एक्सप्लेन करते जाओ, प्राइवेट कंपनी डेडनेस मीन्स अ कंपनी जिसके आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन होती है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो इसका ना यहां। और बस कोशिश करो कि तीन पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, इसमें फैक्ट, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कंक्लूजन क्या दोगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि क्या होता है, खत्म। तो इसका अगर सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो सिंपल ऐसे लिखना है, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, या एज पर रेलेवेंट रूल्स ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर कुछ भी करके लिख दो इस तरीके से। कंपनी एक्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि कंपनी एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा तो उसके अकॉर्डिंग, किसी और लॉ का होगा तो उसके अकॉर्डिंग लिख के आप आओगे। तो पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो कैसे लिखना है, ये बात हो गई। अब आता है अगर पेपर में डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा तो कैसे लिखना है। अगर पेपर में डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आपको ऑलवेज, अगर आपको प्रॉपर डिफरेंस अच्छे से आता है, मान लो पेपर में प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आ गया, तो आप हमेशा तीन कॉलम बनाओगे, एक बेसिस का, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, ऐसे। तो आप प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बनाकर दे दो, बेसिस के अंदर वैसे पहला पेड अप शेयर कैपिटल इसकी कितनी है, इतनी कितनी है ना, इसके आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके आर्टिकल में नहीं होते, किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो, बेसिस बताए जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस आता है क्या पूछा गया है तो आपको ऐसे देना है। अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा पता है, पूरा पूरा नहीं पता, तो आप फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन करना। जैसे मान लो पहले पॉइंट में डाल दिया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी डैश, सेकंड पॉइंट में डाल दिया पब्लिक कंपनी क्या होती है डैश, फिर थर्ड पॉइंट में प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है, फोर्थ पॉइंट में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ये नहीं कर सकती, ऐसे करके वो चार पैराग्राफ पॉइंट वाइज बना दो। इससे क्या होगा कि तुम्हें कंटेंट कम याद होगा, तुम्हें दो तीन पॉइंट भी याद होंगे तो वो छह बन जाएंगे, है ना, एक प्राइवेट का, एक पब्लिक का, एक प्राइवेट का, एक पब्लिक का, तो दिखने में सामने वाले वो छह लगेंगे लेकिन अंदर माल तीन का ही होगा। यही अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होते तो तीन ही पॉइंट बनते हैं आमने सामने, तो दिक्कत होती। तो अगर कंटेंट एक्जैक्टली याद है टेबुलर फॉर्म में लिखो, एक्जैक्टली याद नहीं है तो पॉइंट वाइज लिखो। अब आती है आगे एक और बात, सर पेपर में सेक्शन नंबर याद है तो क्या समझ आता है, लिख लिया
सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिख लिया, केस स्टडी का नाम याद है तो कैसे लिखना है वो समझ लिया, केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखना है वो समझ लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है वो समझ लिया, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो कैसे आएगा लिखना है वो भी समझ लिया। अब आता है कि बच्चे को ना डेज की लिमिट याद नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है ना कि ये फॉर्म 30 दिन में फाइल होगा या ये फॉर्म 25 दिन में फाइल होगा, ये फॉर्म 60 दिन में फाइल होगा। अगर आपको जैसे मान लो, जैसे आपको पता है कि कंपनी के अंदर एक फॉर्म है, कंपनी लॉ में एक फॉर्म है MGT 14 जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज में आरओसी को फाइल होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के विद इन 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल होता है, तो आप उसका सेंटेंस कैसे लिखोगे? अगर आपको डेज याद है तो आप ऐसे लिखोगे, अ कंपनी शेल फाइल फॉर्म नंबर MGT 14 टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको यह याद है कि कौन सा फॉर्म कितने दिन में फाइल होगा तो आप इस तरीके से लाइन लिखोगे। अगर आपको डेज याद है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना कि ये कंपनी ये वाला फॉर्म इतने दिन में फाइल करेगी। लेकिन अगर आपको डेज याद नहीं है, आप भूल गए हो कि 25 दिन में फाइल होता था, 30 दिन में फाइल होता था, 60 दिन में फाइल होता था, तो आंसर कैसे लिखोगे? अ कंपनी शैल फाइल फॉर्म नंबर MGT 14 टू द आरओसी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। बस इतना लिख के छोड़ दो, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है विच इज मेंशन इन द लॉ, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। स्टिपुलेटेड का मतलब विच इज मेंशन द लॉ। अब तो खुद सोचता रहे हमें नहीं पता कितने दिन थे, हमने लिख दिया स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। पता है ये सब चीज ना तब मजा आएगा जब कुछ कुछ जगहों पे भूल गए, कुछ कुछ जगहों पे याद है। साला सारे आंसरों में तुम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, सारे आंसरों में एज पर रेलेवेंट प्रोविजन यही सब लिख लिख क्या होगा तो नंबर कटेंगे, है ना। ये कुछ जगहों पे स्मार्ट वर्क करना अच्छा लगता है कि तुम्हें कुछ जगह सेक्शन याद है, कुछ जगह याद नहीं है तो आपने एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिख दिया, कुछ जगह टाइम पीरियड याद है, कुछ जगह टाइम पीरियड याद नहीं है तो आपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लिख दिया। लेकिन तुम हर आंसर में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तुम डेज भी याद करके नहीं जा रहे, हर आंसर में एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन लिख के आ रहे हो तो नंबर भी कटेंगे और इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ये स्मार्ट वर्क है, मजबूरी में जरूरत पड़े तो लिखो इन चीजों को। नेक्स्ट आता है कि मान लो तुम्हें डेज याद है लेकिन तुम्हारे को फॉर्म नंबर ही याद नहीं है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, अ कंपनी शेल फाइल स्पेसिफाइड फॉर्म टू द आरओसी। अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है, अगर फॉर्म नंबर याद था तो फॉर्म नंबर MGT 14 था। अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है, कंपनी शेल फाइल स्पेसिफाइड फॉर्म टू द आरओसी विद इन, अगर टाइम पीरियड याद है तो विद इन 30 डेज, और अगर टाइम पीरियड भी याद नहीं है और फॉर्म नंबर भी याद नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम्हें टाइम पीरियड भी, देखो अगर टाइम पीरियड याद है तो ऐसे लिखोगे विद इन 30 डेज, अगर तुम्हें टाइम पीरियड भी याद नहीं है और फॉर्म नंबर भी याद नहीं है तो ऐसे लिखोगे, अ कंपनी शेल फॉर्म स्पेसिफाइड टू फॉर्म टू द आरओसी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, खत्म। इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना, समझ आ गई बात। तो टाइम पीरियड अगर याद है, अब तुम्हारे को सारी बातें खत्म हो गई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बस इससे ऊपर नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ी हो गई। फटाफट समअप करते हैं, मैंने सारी बातें तुम्हारे को बता दी। पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, केस स्टडी का नाम याद है तो कैसे लिखना है, केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो कैसे लिखना है, फॉर्म नंबर याद है तो कैसे लिखना है, फॉर्म नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, टाइम पीरियड याद है तो कैसे लिखना है, टाइम पीरियड याद नहीं है तो कैसे लिखना है, सब सिखा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ये आपके ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। चलो, लव यू ऑल, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा।